ओके, सो लेट अस स्टार्ट। जो पहला न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, वो हमारा ये है। एक बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बेस्ड ऑन द क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा है कि अ हॉट गैस ऑफ एट 330 डिग्री सेंटीग्रेड विथ कन्वेक्शन कोफिशियंट ऑफ 222 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन इज फ्लोइंग थ्रू अ स्टील ट्यूब। ठीक है, मतलब क्या है कि देखो एक स्टील की ट्यूब बनी हुई है, ठीक है, उस स्टील की ट्यूब के अंदर जो गैस है वो हमारी फ्लो कर रही है। ठीक है, और हम लोगों को अभी आगे जो भी ये पूछा जाएगा वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें आगे देखो क्या लिखा हुआ है। द स्टील ट्यूब ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 1.3 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब जो तुम्हारा स्टील की ट्यूब है, ठीक है, उसकी जो आउटसाइड डायमीटर है वो दिया हुआ है कि भाई 8 सेंटीमीटर है और थिकनेस दी हुई है 1.3 सेंटीमीटर। मतलब तुम्हें इनसाइड डायमीटर निकालनी पड़ेगी, ठीक है, बाय यूजिंग दिस लाइन। ठीक है, ये जो भी लाइन दी हुई है इसके अकॉर्डिंग तुम्हें कन्वर्ट करके निकालनी पड़ेगी। वो हम देख लेंगे अभी कैसे निकलेगा। इट इज कवर्ड विथ एन इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ थिकनेस 2 mm। उसके बाद बोल रहा है कि 8 mm की तो पाइप है, उसके ऊपर हमने 2 mm की और क्या लगा दी है, इंसुलेशन लगा दी है। ठीक है, मतलब 2 mm का कुछ भी हमने लगा दिया होगा मटेरियल, चाहे प्लास्टिक एस्बेस्टस कुछ भी लगा दिया, ठीक है, उसके ऊपर इंसुलेशन लगाया है। हैविंग अ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 वाट पर मीटर केल्विन, मतलब ये थर्मल कंडक्टिविटी जो दी हुई है, ये थर्मल कंडक्टिविटी हमारी दी हुई है इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है, 0.2। देन द आउटर सरफेस ऑफ इंसुलेशन इज एक्सपोज टू द 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये है कि जो इंसुलेशन हमने प्रोवाइड करी है तो उसके जो बाहर का टेम्परेचर है, मतलब पाइप के बाहर का जो टेम्परेचर है वो दिया हुआ है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। टी इन्फिनिटिव की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। उसके बाद दिया है विथ कन्वेक्शन कोफिशियंट ऑफ 55 वाट पर मीटर केल्विन। ठीक है, ये भी दिया हुआ है यहाँ पे कि कन्वेक्शन कोफिशियंट हमारा कितना है, तो ये भी दिया हुआ है। ठीक है, ये आउटसाइड का कन्वेक्शन कोफिशियंट गिवन है। नाउ इट इज गिवन दैट यू हैव टू फाइंड दैट हीट लॉस फ्रॉम द एयर फ्रॉम 5 मीटर लॉन्ग ट्यूब। ठीक है, तो पहले तो तुम्हें ये निकालना है कि हीट लॉस कितना होगा अगर 5 मीटर लॉन्ग ट्यूब है, मतलब लेंथ तुम्हारे पास इसने दे दी कि 5 मीटर है, तो तुम्हें ये निकालना है कि हीट लॉस कितना होगा। ठीक है, दूसरा ये निकालना है द टेम्परेचर ड्रॉप ड्यू टू द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ हॉट गैसेस, ठीक है, स्टील ट्यूब्स, इंसुलेशन लेयर एंड आउटसाइड एयर। मतलब ये सबके लिए पूछ रहा है कि हर सेक्शन में हम जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे तो कितना ड्रॉप होगा, यहां से यहां जाएंगे आगे जाएंगे तो कितना ड्रॉप होगा। तो ये हर सेक्शन में एक्चुअली ड्रॉप पूछना चाह रहा है कि जो टेम्परेचर का ड्रॉप होगा, डेल्टा टी जो होगा हर सेक्शन में, वो हमारे पास कितना होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ड्रॉप ड्यू टू थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ हॉट गैसेज पहले बताना है, ठीक है, कि हॉट गैसेज की वजह से कितना ड्रॉप हो रहा है टेम्परेचर में। ठीक है, उसके बाद फिर बताना है तुम्हें कि स्टील ट्यूब में से हम जब गुजर रहे हैं तो कितना ड्रॉप हो रहा है। उसके बाद फिर बताना है कि इंसुलेशन लेयर से जब हम गुजरेंगे तो टेम्परेचर का कितना ड्रॉप होगा। फिर फाइनली जब आउटसाइड एयर में आएंगे हम, तो आउटसाइड एयर और जो हमारा सरफेस है उसके बीच कितना टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, बेसिकली ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। एक स्टील की मतलब इस तरीके की, देखो मैं इधर से ऐसे बनाकर दिखा देता हूँ, यह हमारे पास इस तरीके की पाइप है। ये तुम कह सकते हो कि इस तरह की एक पाइप है जिसकी लेंथ दी हुई है 5 मीटर। इसके अंदर जो है ना वो कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है जिसका जो कन्वेक्शन, इसका जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशियंट है, मतलब इनसाइड वाले फ्लूइड का, ठीक है, अगर H1 मैं इसको बोल दूं तो ये 222 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन तुम्हारा दिया हुआ है। ठीक है, और जो हॉट गैस है इसका टेम्परेचर भी दिया हुआ है कि इस हॉट गैस का टेम्परेचर कितना है, ये है 330 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके का है कुछ, ठीक है। बाहर का जो है, बाहर का टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसके जो बाहर का है, इसके ऊपर हमने कुछ इंसुलेशन की लेयर अप्लाई करी है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो बाहर का जो हीट ट्रांसफर कोफिशियंट है, ठीक है, H2 अगर मैं इसको बोल देता हूँ तो ये है 55। ठीक है, 55 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन दिस इज गिवन। ठीक है, सो नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले तो हमें निकालना है कि हीट लॉस ऑफ एयर फ्रॉम 5 मीटर लॉन्ग ट्यूब, मतलब लेंथ 5 मीटर लेनी है और हीट लॉस निकालना है। ठीक है, तो देखो भाई पहले इसको देख लो, इसका जो डायग्राम है इसको ध्यान से देख लो। ठीक है, इस डायग्राम में देखो सबसे पहले क्या है कि अंदर का इसने H1 की बजाय यहाँ पे HI मान लेते हैं। अंदर का जो अंदर का इसने माना है वो माना HI,
एच आई इज द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशियंट इनसाइड दिस सिलेंडर, जो सिलेंड्रिकल पाइप है इसके इनसाइड में जो हमारा कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशियंट है दैट इज एच आई, दैट इज दिस, एंड एच नॉट माना हुआ है बाहर का जो हमारा है, इसको एच नॉट बोल देते हैं, ये एच नॉट माना हुआ है इसने, तो एच नॉट है हमारा ये जो बाहर का जो हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशियंट है वो, ये दो चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। और सबसे पहले क्या होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे टी आई की वैल्यू हमें दी हुई है, टी आई की जो वैल्यू है वो 330 दी हुई है, ठीक है, और टी नॉट मतलब जो बाहर का हमारा टेम्परेचर है उसकी वैल्यू दी हुई है, इसको अगर टी नॉट बोले या टी इंफिनिटिव वन या टी इंफिनिटिव टू बोलो या फिर टी आई टी नॉट बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो इसको इसने टी आई बोला हुआ है, ठीक है, और इसको इसने बोला हुआ है टी नॉट, ठीक है, तो टी नॉट और टी आई भी हम भी यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो टी आई और टी नॉट हो गया ये, ठीक है। उसके बाद देखो अब इसने क्या किया हुआ है, स्टील की जो पाइप है ये कुछ स्टील की पाइप होगी जो ग्रीन कलर की दिख रही है, स्टील की पाइप है, इसके बाद जो तुम्हें दिख रहा है ये बेसिकली इंसुलेशन की लेयर है, ठीक है, उसके बाद तुम्हें एक डॉटेड सरफेस दिख रहा होगा, डॉटेड सरफेस बेसिकली ये दिखाने के लिए यूज हुआ है कि कन्वेक्टिव जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कहां तक काम करे, तो डॉटेड बता रहा है, ठीक है, तो उसको अभी समझ जाओ कि बस यहाँ पे एक जो कन्वेक्टिव लेयर है उसको हम दिखा रहे हैं इस डॉटेड उससे, ठीक है। तो ये हमारे पास है यहाँ पे कुछ जो टेम्परेचर है वो एज्यूम किए हुए हैं, ठीक है, जैसे देख सकते हो कि जो इनसाइड का टेम्परेचर है वो तो दिया हुआ है टी आई मान लिया, ठीक है, इसके पाइप के इनसाइड का टेम्परेचर ये हमारा यहाँ पे टी आई है, उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर माना हुआ है टी वन या दिस टेम्परेचर इज एज्यूम टू बी टी वन, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर माना हुआ है टी टू, ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर माना हुआ है टी थ्री, मतलब इसका जो सर्फेस है आउटर सर्फेस है इसका टेम्परेचर टी थ्री है और जो आउटसाइड एयर का टेम्परेचर है वो टी नॉट दिया हुआ है, ठीक है। तो चारों पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो तुम्हें यहाँ पे पता होना चाहिए कि इनसाइड का जो टेम्परेचर है इनसाइड एयर का वो टी आई, इसके जो सर्फेस इनसाइड सर्फेस का टेम्परेचर है वो टी वन, यहाँ पे जो जंक्शन है इन दोनों का मतलब ये जो ग्रीन वाला और ब्लू वाला का जंक्शन है इस जंक्शन पे टेम्परेचर टी टू है, उसके बाद फिर आउटर सर्फेस का टेम्परेचर है इसका टी थ्री और बाहर का टेम्परेचर है टी नॉट, ठीक है, इस तरीके का इसका बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि अब इसका देखो डायमीटर वगैरह चाहिए हुआ तुम्हें, रेडियस वगैरह चाहिए हुआ, क्योंकि आगे जब हम इसका थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे हमें डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो जो डायमीटर दिया हुआ है स्टील ट्यूब का वो कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो रेडियस निकाल सकते हो भाई, रेडियस की वैल्यू जो होगी आउटर रेडियस दिया हुआ था, आउटर डायमीटर दिया हुआ था, अगर तुम क्वेश्चन देखोगे तो आउटर डायमीटर इज गिवन एज 8 सेंटीमीटर, ठीक है, सो यू कैन राइट डाउन दिस आउटर रेडियस एज 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, दैट इज यू आर गेटिंग एज 4 सेंटीमीटर एंड दैट यू कैन राइट डाउन दैट 0.04 मीटर। सो दिस इज बेसिकली द आउटर रेडियस ऑफ योर पाइप, मतलब ये जो पाइप है इसका ये वाला जो है ये R2 जो दिखा रखा है, ठीक है, R2 यहाँ पे देख सकते हो, ये R2, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है, तो ये हमारा R2 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो ये R2 की वैल्यू है, ठीक है। अब हमारे पास R2 की वैल्यू है, हमारे पास R1 की वैल्यू नहीं गिवन है, अगर देखोगे क्वेश्चन में तो R1 की वैल्यू नहीं है डायरेक्टली, लेकिन इसने ये बोला है कि जो थिकनेस है वो 1.3 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो भाई अगर थिकनेस हमारी 1.3 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये जो हमारा है दिस इज 1.3 सेंटीमीटर, ये जो है हमारे थिकनेस, ठीक है, ये थिकनेस जो है ये थिकनेस दी हुई है, ठीक है, इस थिकनेस की जो वैल्यू है दैट इज 1.3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो तुम्हें यह पता चल गया कि यहां से लेकर के और जो हमारा आउटर रेडियस है उसकी वैल्यू हमें पता है, ठीक है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू तुम्हें पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू तुमने निकाली 4 सेंटीमीटर, ये तो 4 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है, तो इनसाइड रेडियस कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर में से ये घटा देंगे 1.3, ठीक है, तो इनसाइड रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी R1 हो जाएगा हमारा इनसाइड रेडियस, और इनसाइड रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो गया, ये आउटर में से घटा दो ये जो थिकनेस है, थिकनेस कितनी है 1.3 सेंटीमीटर, तो R1 की जो वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 1.3 इज इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो ये आ जाएगा 0.027 मीटर, ठीक है, तो R1 आ गया R2 आ गया, इनसाइड रेडियस पाइप का निकाल लिया, आउटसाइड रेडियस दिया हुआ था, ठीक है, आउटसाइड डायमीटर दिया हुआ था उससे हमने वो निकाल लिया, ठीक है, ये हमें पता चल गया। उसके बाद इसने बोला है देखो इसके ऊपर इंसुलेशन अप्लाई करिए, अब इंसुलेशन कितने एमएम का करा है इसके ऊपर, तो इंसुलेशन अप्लाई करा है यहाँ पे देख सकते हो इंसुलेशन दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर के इसके ऊपर इंसुलेशन किया है, मतलब यहां से यहां तक ये 4 है, ठीक है, और यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर का और इंसुलेशन किया हुआ है, तो R3 बता सकते हो भाई, R3 ये जो
ये जो है ये दिया हुआ है कि ये कितना है ये वाला, ठीक है, इसकी वैल्यू दी है, ये दिए 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये 4 हो गया और ये 2 ए हो गया, ठीक है, तो जो R3 होगा हमारा, R3 मतलब आफ्टर अप्लाइंग द इंसुलेशन, ठीक है, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो वैल्यू होगी 4 ए हो गया और प्लस 2 ए हो गया, ठीक है, तो 4 प्लस 2 ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं 0.06 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास R1 आ गया जो कि इनसाइड डायमीटर है पाइप का, R2 आ गया जो कि आउटसाइड डायमीटर है पाइप का, और R3 आ गया जो कि विथ इंसुलेशन आउटर डायमीटर है हमारे जो पाइप है, ठीक है, इंसुलेशन को अप्लाई करने के बाद जो डायमीटर है, मतलब सबसे ज्यादा जो थिकनेस आएगी, ठीक है। ये तो सब ये यहां तक क्लियर है, किसी को इसमें डाउट तो नहीं है, R1 R2 R3 कैसे निकाला है? R1, R2, R3 जो निकाला है उसमें किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो R1, R2, R3 नो हमने निकाल सर। लिया है, ठीक है, अब हम आगे भाई सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए इसका सर्किट बनाएंगे, ठीक है, तो इसका जो सर्किट है इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से बनाओगे कुछ इस तरीके का बनेगा, यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, अगर क्यू हीट ट्रांसफर हो रही है तो TI इज द इनसाइड एयर टेम्परेचर, यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज TI, तो TI हो गया, TI से पहले T1 तक जाएंगे, T1 इज द सरफेस इनसाइड सरफेस टेम्परेचर ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है, तो T1 से TI से T1 के बीच में RI होगा जो कि एक कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, ये कैसा होगा, ये कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, ये कैसा होगा, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है, उसके बाद हमारा TI से लेकर के T2 के बीच में एक रेजिस्टेंस होगा जो कि स्टील की पाइप की वजह से होगा, स्टील की जो पाइप बनी है तो स्टील की पाइप का रेजिस्टेंस होगा ये, तो ये तो कंडक्टिव रेजिस्टेंस हो गया, किसका, स्टील का, ठीक है, तो ये तो स्टील का रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ से यहाँ तक हम आ गए हैं, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा इंसुलेशन लगा हुआ है, ठीक है, T2 के बाद इंसुलेशन शुरू हो जाता है, तो T2 से T3 के बीच में जो इंसुलेटेड मटेरियल होगा उसकी वजह से रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे R इंसुलेटेड, जो R2 है वो क्या दिखा रहा है, R इंसुलेटेड को दिखा रहा है, ठीक है, T2 और T3 के बीच का, ठीक है। उसके बाद जो T3 है, T3 मतलब ये आउटर आउटर सरफेस का टेम्परेचर दिया हुआ है T3, ठीक है, और जो इसके बाहर एयर है उसका टेम्परेचर दिया हुआ है T0, ठीक है, इसके बाहर जो एयर यहाँ पे फ्लो कर रही है इसके बाहर सरफेस के, उसका T0 है, तो इसके बीच में क्या होगा, एक कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, ये तो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, जिस तरह का ये बना हुआ है डायग्राम उसके हिसाब से हमने जो इसका रेजिस्टेंस है उसको दिखा दिया, ठीक है। अब तुम सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, अब हम लोग सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, R1 हमें R2 R3 सब पता है, ठीक है, तो ये सारी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले RI कैलकुलेट कर लेते हैं, तो देखो RI जो कैलकुलेट किया है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज नथिंग बट कन्वेक्शन हीट रेजिस्ट कन्वेक्शन रेजिस्टेंस ऑफ हॉट गैसेस, जो हॉट गैसेस इस पाइप के अंदर फ्लो कर रही है, ये जो यहाँ पे पाइप के अंदर जो हॉट गैसेस फ्लो कर रही है इसकी वजह से जो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू तुम लोग देख सकते हो कितनी होगी, 1/HI × A1 होता है, ये पता है तुम्हें, ठीक है, HI दिया हुआ है और A1 दिया हुआ है, ठीक है, HI इनसाइड हीट ट्रांसफर कोफिशियंट कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशियंट गिवन है और डिवाइडेड बाय होगा A1, A1 इज नथिंग बट 2π R1 × L, ठीक है, तो 1/222 HI की वैल्यू दी हुई थी, तो 222, ठीक है, 2π R1, R1 का मतलब इनसाइड रेडियस लेना, इनसाइड रेडियस हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 0.027, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था ये 0.027, ये 0.027 मीटर, ठीक है, तो ये ले लिया हमने भाई, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 5.31 × 10⁻³ डिग्री सेंटीग्रेड पर बार, ठीक है, ये वैल्यू आ गई RI की, ठीक है। इसी तरीके से R1 R2 कैलकुलेट करेंगे और R0 भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो R1 की वैल्यू क्या होगी भाई, R1 क्या है, R1 हमारा देखो, R1 की जो वैल्यू होगी, अगर मैं कहूं कि R1 की वैल्यू क्या होगी, तो R1 किसके किसके बीच में है, T1 और T2 के बीच में R1, ठीक है, तो T1 और T2 के बीच में हमारा क्या है, स्टील का मटेरियल लगा है, तो R1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ln R2 by R1, ठीक है, कंडक्टिव रेजिस्टेंस है एक सिलेंडर का, ये क्या होता है, ln R2 by R1 2π kL, ठीक है, वेयर के किसका आएगा, यहाँ पे स्टील का आएगा के, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि किसका आएगा, स्टील का आएगा, क्योंकि हम स्टील की बात कर रहे हैं, T1 से T2 के बीच में क्या लगा है, स्टील लगा है, ठीक है, तो ये निकाल लेंगे भाई, इसी तरीके से यहाँ पे निकाला हुआ है, देख सकते हो, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ये देखो R1 की वैल्यू निकाली हुई है, ln R2 by R1 डिवाइडेड बाई 2π K1 × L, वेयर K1 इज द ही थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील, दैट इज गिवन ऑल्सो, अगर देख सकते हो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील यू हैव टू टेक एज 50, ठीक है, तो ये 50 ले लिया इसको, तो ये निकल जाएगा भाई, फिर R1 निकल गया, ठीक है,
तो आर वन निकाल लोगे भाई, ठीक है। उसके बाद आर टू कितना होगा, देखो आर टू जो है हमारा दिखा रहा है थर्मल रेजिस्टेंस, जो किसकी वजह से आ रहा है, इंसुलेशन जो हमने लगाया, मतलब ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है इसकी वजह से जो थर्मल रेजिस्टेंस आ रहा है वो आर टू होगा। तो आर टू की वैल्यू कितनी होगी, आर टू की वैल्यू क्या होती है, इसका इनसाइड रेडियस लेते हैं और आउटसाइड रेडियस लेते हैं। तो इसका इनसाइड रेडियस जो है, ये जो हमारा ब्लू वाला दिख रहा है, इसका इनसाइड रेडियस क्या होगा, इसका इनसाइड रेडियस होगा आर टू और आउटसाइड रेडियस क्या होगा, आर थ्री होगा। तो इसकी वैल्यू जो होगी दैट इज एल एन आर थ्री बाय आर टू होगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 पाई के किसका आएगा, के इंसुलेशन वाले का आएगा, ध्यान रखना है यहाँ पे, के इंसुलेशन मल्टीप्लाइड बाय एल, एल तो सेम ही है, लेंथ सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको निकाला हुआ है, देख लो आर टू की वैल्यू हमने निकाली हुई है, आर टू की वैल्यू कितनी आएगी देख लो, आर वन की वैल्यू तो ये आई थी और आर टू की वैल्यू देखो यहाँ पे 0.2 लिया है, के की वैल्यू। थर्मल कंडक्टिविटी किसकी लेंगे, इंसुलेटेड मटेरियल की, वो दिया हुआ है 0.2, ठीक है। तो ये आ गया 64.53 × 10^-3, ठीक है, ये आ गया। इसी तरीके से आर नॉट कैलकुलेट कर लोगे, आर नॉट में कुछ नहीं है, 1/H0 2π r3 होगा यहाँ पे, क्योंकि आउटर रेडियस लेंगे, आउटर रेडियस हमारा जो सबसे आउटर रेडियस है यहाँ की बात कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस T3 और मतलब इसका जो आउटर सरफेस है और जो आउटसाइड है इसके बीच का जो रेजिस्टेंस है इसको हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हमें आउटर रेडियस लेना पड़ेगा, आउटर रेडियस मतलब ये वाला R3 लेना पड़ेगा, R3 निकाल चुके हैं 0.06, ठीक है, तो इसको ले लेंगे भाई, ठीक है। एच नॉट दिया हुआ है 55 दिया हुआ है आउटसाइड, ठीक है, ये ट्रांसफर कोफिशिएंट 2π.06 × 5, ठीक है, इससे हमारा ये निकल जाएगा 9.64 × 10^-3, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब तुम्हें चाहिए हीट ट्रांसफर, ठीक है, तो हीट ट्रांसफर के लिए क्या होता है, अगर मैं कहूं इसमें इसमें हीट ट्रांसफर कैसे निकालेंगे, तो हीट ट्रांसफर की तो इक्वेशन तुम सबको पता है, क्यू इक्वल टू क्या होता है हीट ट्रांसफर की इक्वेशन, कि जो इनिशियल टेम्परेचर जिसके जिसके जिससे से जिसके बीच हम लगाना चाहते हैं, तो यहाँ जो हमारा इधर का टेम्परेचर है वो T∞1 की जगह TI लिखा हुआ है और T∞2 की जगह T0 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, TI-T0, ठीक है, टेम्परेचर ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्या आएगा, आर टोटल आएगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, TI और T∞, ये दोनों तुम्हारे पास दिया हुआ है, अगर देखोगे तो दोनों चीजें तुम्हारे पास गिवन है, ये दोनों चीजों की वैल्यू देख लो कितनी दी हुई है, 330 और 25 दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, ठीक है, एम्बियंट का, और ये 330 दिया हुआ है, ठीक है, तो 330 और 25 ये तो पता ही है भाई, ये तो 330 हो गया, ठीक है, और ये हो गया 25, कोई दिक्कत ही नहीं है। और आर टोटल क्या होगा, आर टोटल इन सब का समेशन होगा, मतलब आर आई प्लस आर वन प्लस आर टू प्लस आर नॉट, ठीक है, ये सारी क्वांटिटी तुम कैलकुलेटर कर चुके हो, तो इनकी वैल्यू डालोगे तो क्यू की वैल्यू निकल जाएगी। तो निकाली हुई है क्यू की वैल्यू, मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ यहाँ पे, निकाली हुई है ऑलरेडी इन्होंने, तो ये है 330 ले लिया -25 और ये आर वन हो गया, आर आई हो गया, ये आर वन हो गया, ये आर टू हो गया, और ये हमारा आर नॉट हो गया, ये आर नॉट हो गया, ये आर टू हो गया, ये आर वन हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, आर आई हो गया। तो इससे आगे वैल्यू तुम्हारी 3825.4, ठीक है, ये तो निकाल लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है, क्यू हमने निकाल लिया, ठीक है। अब क्यू तुमने निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे इसने ये पूछा हुआ है, आगे कई सारी चीजें इसने पूछी हुई है इस क्वेश्चन में, ठीक है, जैसा इसने पूछा टेम्परेचर ड्रॉप ड्यू टू द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ हॉट गैसेज, तो हॉट गैसेज कहाँ फ्लो कर रही है, इसके अंदर फ्लो कर रही है, तो मतलब उसकी वजह से जो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस आ रहा है उसको तुम्हें निकालना है, कि उसकी वजह से जो टेम्परेचर ड्रॉप आएगा, उस कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस की वजह से जो टेम्परेचर ड्रॉप आएगा वो तुम्हें निकालना है। तो भाई मैंने बताया था तुम्हें कि जो क्यू की इक्वेशन है वो हम किसी से किसी टेम्परेचर के बीच भी लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यहां से डायरेक्ट यहीं तक लगाए, हम इस क्यू की इक्वेशन को इन दोनों के बीच भी लगा सकते हैं, टीआई और टी1 के बीच में। तो टीआई और टी1 के बीच में अगर क्यू की इक्वेशन में अप्लाई करता हूँ, टीआई और किसके बीच हम लगा रहे हैं, टीआई और T1 के बीच लगा रहे हैं, ठीक है, तो इनके बीच अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो Q को मैं क्या लिखूंगा, Q को मैं लिखूंगा TI-T1 डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस इनके बीच होगा, मतलब RI, ठीक है। तो यहां से हमारा, हमें तो यही चाहिए, TI-T1 पूछा हुआ है हमसे, ठीक है, तो TI-T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q × RI के बराबर हो जाएगी। Q तुम्हें ऑलरेडी पता है, तुम निकाल चुके हो Q की वैल्यू, ठीक है, तो यहां से निकल जाएगा। तो दिखा देता हूं मैं, यहाँ पे निकाला हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, जैसे ये देखो टेम्परेचर ड्रॉप ड्यू टू थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ हॉट गैसेस कितना हो जाएगा, TI-TI-T1 डिवाइडेड बाय RI हो जाएगा। तो TI-T1 हमें चाहिए, ठीक है, कि कितना ड्रॉप हो रहा है उस कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस की वजह से, तो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस की वजह से कितना ड्रॉप होगा, Q मल्टीप्लाइड बाय कर दो RI, तो ये आ जाएगा हमारा 20.6
31 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसी तरीके से जहां पे भी टेम्परेचर ड्रॉप जिस जिस के बीच भी पूछेगा हम बता सकते हैं। जैसे इसने अगला निकाला हुआ है, टेम्परेचर ड्रॉप ड्यू टू थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ स्टील, की जो स्टील की ट्यूब है उसकी वजह से कितना टेम्परेचर ड्रॉप होगा, या उसका जो रेजिस्टेंस है कंडक्टिव रेजिस्टेंस स्टील का, उसकी वजह से टेम्परेचर में कितना ड्रॉप होगा, ठीक है। तो क्यू की इक्वेशन लगा दो भाई, जहां पे स्टील लगी है उसके बीच, तो स्टील कहां लगी है, स्टील लगी है हमारी यहाँ पे देखो T1 और T2 के बीच लगी है स्टील, तो T1 ये रहा और T2 ये रहा, ये T1 है यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा T1 है और ये T2 है, तो इनके बीच लगा दो क्यू की इक्वेशन। तो इनके बीच अगर क्यू की इक्वेशन लगाते हैं तो क्यू को क्या लिखेंगे, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय इनके बीच का जो रेजिस्टेंस होगा वो है हमारा R1, ठीक है। तो ये वैल्यू ऑलरेडी तुम कैलकुलेट कर चुके हो, ये भी मालूम है, तो T1 माइनस T2 निकल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ, निकाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो T1 माइनस T2 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, क्यू इंटू R1, दैट इज गिवन एज, क्यू की वैल्यू निकाल चुके हो 3825.4 आई थी, और R1 तुम निकाल चुके हो ऑलरेडी, तो यहां से याद है, ठीक है। इसी तरीके से टेम्परेचर ड्रॉप ड्यू टू थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन में जो थर्मल रेजिस्टेंस के बीच का जो टेम्परेचर है वो आ जाएगा, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस है वो किसका आ जाएगा, जो तुमने इंसुलेशन अप्लाई किया उसका आ जाएगा, वहां से तुम ये निकाल सकते हो, ठीक है। और टेम्परेचर ड्रॉप ड्यू टू थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ आउटसाइड एयर, जैसे इनसाइड एयर का निकाला था वैसे ही आउटसाइड एयर का निकाल लेंगे। आउटसाइड एयर का मतलब आउटर सर्फेस और जो बाहर हमारी एयर है उसके बीच का जो थर्मल रेजिस्टेंस है उसकी वजह से कितना हमारा टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, तो T3 माइनस T0, ठीक है, क्यूजिकल जो हो जाएगा T3 माइनस T0 डिवाइडेड बाय R0, तो यहां से आ जाएगा 36.87 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब यहां पे देखो तुम्हें ये जो टेम्परेचर ड्रॉप निकाला है इसकी एक वजह है, ठीक है, इसकी वजह ये है कि तुम ये विजुलाइज कर पाओ कि कन्वेक्टिव की वजह से, कंडक्टिव की वजह से, और जो हमारा इंसुलेशन मटेरियल है इसकी वजह से कितना टेम्परेचर का ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो जैसे देख सकते हो यहाँ पे जो हॉट गैसेज है, मतलब जो कन्वेक्टिव है, कन्वेक्टिव की वजह से तो इनिशियली जो टेम्परेचर हमारा ड्रॉप हो रहा है वो 20 डिग्री के आसपास हो रहा है। मतलब जब तुम इनसाइड की, अगर पाइप के इनसाइड की बात करो तो पाइप की इनसाइड से लेकर के उसके सरफेस तक पहुंचने में 20 डिग्री का ड्रॉप हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जब तुम पाइप के, स्टील पाइप की इनसाइड सरफेस पे पहुंच गए और वहां से जब तुम बाहर जा रहे हो आउटसाइड सरफेस तक, तो उसके बीच में देखो बहुत कम ड्रॉप हो रहा है। इसका रीजन ये है क्योंकि इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है, क्योंकि ये स्टील की ट्यूब है, ठीक है, तो इसीलिए जो ड्रॉप है वो बहुत ही कम है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या लगा, इंसुलेशन लगा है, तुम्हें पता है स्टील की ट्यूब के ऊपर इंसुलेशन अप्लाई किया है, इंसुलेशन बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, तो इंसुलेशन की वजह से इसलिए देखो जो टेम्परेचर का ड्रॉप है वो हमारा ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद फिर इंसुलेशन खत्म होने के बाद हमारा क्या आता है, इंसुलेशन के आउटर सरफेस और जो हमारा बाहर एयर फ्लो कर रही है उसके बीच में एक कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस आता है, और इसकी वजह से जो टेम्परेचर ड्रॉप है दैट इज 36.87। सो एज यू कैन ऑब्जर्व ऑल दिस दैट ड्यू टू द स्टील, द कंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ स्टील, द टेम्परेचर ड्रॉप इज वेरी वेरी लो एज यू कैन सी, एंड द टेम्परेचर ड्रॉप इज हायर फॉर द इंसुलेशन मटेरियल, ठीक है। तो ये था ये क्वेश्चन, ठीक है। ये अगर किसी को इसमें कहीं पे भी कोई डाउट हो तो भाई पूछ लो, ठीक है, किसी को भी डाउट हो कहीं पे। कोई डाउट है? नो सर। बाकी लोगों से भी मैं पूछ रहा हूं, कोई भी डाउट हो बेटा, अगर नहीं समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है, क्योंकि देखो जो क्वेश्चन आएगा वो इसी तरीके का आएगा, ठीक है, और कंसेप्ट हमेशा वही अप्लाई होने हैं। बस ये याद रखना है जो क्यू की इक्वेशन है उसको तुम किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के बीच अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, उसकी कोई कंस्टेंट नहीं है। तुम चाहे तो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर के बीच अप्लाई कर लो, या चाहो तो किसी भी बीच के एक टेम्परेचर के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो नीचे आएगा क्यू की इक्वेशन में, जो नीचे आएगा वो जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसके बीच का रेजिस्टेंस आएगा, टोटल रेजिस्टेंस। अब वो चाहे तुम एक, अगर एक रेजिस्टेंस आ रहा है तो एक लो, दो रेजिस्टेंस आ रहा है तो दो लो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चाहता तो ये जो क्यू की इक्वेशन है इसको मैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दो ही टेम्परेचर के बीच हम अप्लाई कर सकते हैं, इसमें हम और भी कर सकते हैं। जैसे मैं दिखा रहा हूं तुम लोगों को, देखो अगर मैं कहता कि ये क्यू की जो इक्वेशन है इसको मुझे, इस क्यू की इक्वेशन को TI, इस क्यू की इक्वेशन को TI और T3 के बीच अप्लाई करना है, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो उस केस में क्यू की वैल्यू हो जाती है TI माइनस T3, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या आता है, एयर रेजिस्टेंस आता है टोटल जो इन दोनों के बीच आएगा, ठीक है, मतलब RI प्लस R1 प्लस R2 ये पूरा आता, ठीक है। तो ये कहीं भी अप्लाई कर सकते हो तुम, जो क्यू की इक्वेशन है किसी भी टेम्परेचर डिफरेंस के बीच यू कैन अप्लाई, इधर बिटवीन टू टेम्परेचर और बिटवीन अ रेंज, ठीक है, होल रेंज।
तो ये तो क्वेश्चन था। अब मैं तुम लोगों को जो क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है एग्जाम में, तो उसमें मुझे कुछ मिस्टेक लगी थी, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन पूरे तरीके से करा नहीं रहा हूँ तुम लोगों को। मैं एक बार उसको वेरीफाई कर लूंगा कि जो उसमें मिस्टेक है वो क्या है, ठीक है, तो फिर मैं उस क्वेश्चन को लेके आऊंगा। लेकिन तुम्हें बस क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, जितना पार्ट अभी उसमें हो सकता है उतना पार्ट में बता देता हूँ तुम्हें करके, ठीक है। बाकी पार्ट में क्या करूंगा, बाकी पार्ट उसका जो उसमें कुछ न्यूमेरिकल में मुझे लग रहा है कि कोई डेटा मिसिंग है, ठीक है, तो वो डेटा आ जाएगा तो फिर उसके बाद हम देखते हैं। तो वो वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, ये देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारा है पेपर जो है, ये 19-20 का पेपर है, ठीक है। 19-20 के पेपर में ये क्रिटिकल थिकनेस का जो क्वेश्चन है, ये थर्ड का बी देख सकते हो, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ, कैलकुलेट द क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फॉर एस्बेस्टस, ठीक है। मतलब जो इंसुलेटिंग मटेरियल हमने लिया है वो क्या लिया है, एस्बेस्टस लिया है, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी हमें मालूम है 0.172 वाट पर मीटर कैल्विन, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि जो एस्बेस्टस से हमें इंसुलेट करना है, ठीक है, किसको, अ सराउंडिंग पाइप विच इज एक्सपोज एट रूम टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, ठीक है, जो रूम टेम्परेचर है उसका दिया हुआ 300 केल्विन, ठीक है, एंड एच की वैल्यू दी हुई है 2.8 वाट पर मीटर स्क्वायर। मतलब ये एक्चुअली ये बाहर का जो टेम्परेचर है वो दे दिया तुम्हें, ठीक है, कि स्टील पाइप के बाहर का जो टेम्परेचर है, ठीक है, जो हमारा रूम है उसका टेम्परेचर दिया, टी इंफिनिटिव की वैल्यू दे दी और एच की वैल्यू दे दी, ठीक है, ये दोनों वैल्यू दे दी है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट द हीट लॉस फ्रॉम 475 केल्विन एंड 60 mm डायमीटर पाइप व्हेन कवर्ड विद क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन एंड विदाउट इंसुलेशन, ठीक है। तो ये इसने पूछा हुआ है कि ये बताओ कि जो हीट ट्रांसफर होगा अगर हम उसको क्रिटिकल थिकनेस तक इंसुलेट कर देते हैं तब कितना होगा, और अगर क्रिटिकल थिकनेस तक इंसुलेट नहीं करते हैं या इंसुलेट नहीं करते हैं, कुछ भी इंसुलेट नहीं करते हैं, ठीक है, पाइप को वैसे ही रखते हैं, तो कितना हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है, मतलब इंसुलेशन के बाद कितना यहाँ पे जो है फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो मुझे डेटा मिसिंग लगा वो इसकी थिकनेस नहीं दी हुई है, स्टील पाइप जो तुम्हारा दिया है, ये जो भी पाइप ये दिया हुआ है, सराउंडिंग जो पाइप दिया हुआ है, ठीक है, तो इस पाइप का जो थिकनेस है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहां तक तुम सॉल्व कर सकते हो, विदाउट इंसुलेशन वाला जो पार्ट है ये नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीजें हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है। हाँ, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया, कैलकुलेट द क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फॉर एस्बेस्टस एज दिस, ठीक है, एस्बेस्टस की थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है, ठीक है, तो मैं थर्मल कंडक्टिविटी लिख देता हूँ इंसुलेटिंग मटेरियल की, यहाँ पे जो हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हम लिख देते हैं, जो हमारे पास इंसुलेटिंग मटेरियल है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है हमारे क्वेश्चन में कितनी, 0.172 वाट पर मीटर कैल्विन, ये दिया हुआ है, ठीक है, हमारे क्वेश्चन में दिया है, ये पहली लाइन में यही दिया हुआ है, ठीक है, लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, द सराउंडिंग पाइप, सराउंडिंग अ पाइप इज एक्सपोज टू द रूम, मतलब एक पाइप को सराउंड कर रहा है जो इंसुलेशन है, एक्सपोज इन अ रूम विच इज एट 300 केल्विन एंड एच इजिकल टू दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये जो है हमारे पास इसमें कुछ ऐसा है कि ये कोई इस तरीके की, देखो इस तरीके की पाइप है, ये इस तरीके की पाइप है, ये कह सकते हो कि ये हमारी पाइप है, ठीक है, ये पाइप हो गई, ठीक है, और इस पाइप के ऊपर कुछ इंसुलेशन हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो इंसुलेशन मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, बस ये जो पाइप है इसमें ये दिया हुआ है कि बाहर का जो ये है एच, इसकी वैल्यू दी हुई है, एच की वैल्यू है 2.8 वाट पर मीटर स्क्वायर कैल्विन, ठीक है, और जो टेम्परेचर है बाहर का ये टी इन्फिनिटिव जो है ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू है 300 केल्विन, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये चीजें गिवन है। उसके बाद देख लेते हैं आगे क्या दिया है, ठीक है, ये दिया है 60 mm डायमीटर जो है पाइप का वो दिया हुआ है 60 mm, ठीक है, तो
तो 60 mm डायमीटर दिया हुआ है व्हेन कवर्ड विथ क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन एंड विदाउट इंसुलेशन. कैलकुलेट द हीट लॉस फ्रॉम 475 केल्विन एंड 60 mm डायमीटर ऑफ पाइप. मतलब ये दिया, इसने क्या बोला कि जो सरफेस टेम्परेचर है तुम्हारे जो पाइप है उसका दिया हुआ है कि 475 लेना है, ठीक है, और 60 mm उसका डायमीटर लेना है, ठीक है, और तुम्हें क्या निकालना है, हीट लॉस निकालना है, ठीक है, कि जब क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन तक हम उसको इंसुलेट कर देंगे तब, और विदाउट इंसुलेशन निकालना है, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास एक तो इसका डायमीटर जो है ये दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ये डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है. इस डायमीटर की वैल्यू है 60 mm, एक तो ये दिया हुआ है. इसके बाहर का जो सरफेस का टेम्परेचर है ये दिया हुआ है, अगर टी बोल देता हूं मैं इसको, तो टी की वैल्यू दी हुई है 475 केल्विन. इस तरीके की पाइप है, ठीक है, और तुमसे ये बोला है कि अगर हम इस पाइप को एस्बेस्टस से, ये एस्बेस्टस का वो है कि एस्बेस्टस से इसको क्रिटिकल थिकनेस तक इंसुलेट कर दें तो क्यू की वैल्यू बताओ क्या होगी. ठीक है, लेंथ नहीं दिए तो इसका मतलब अगर क्यू हमें निकालना पड़ेगा तो क्यू हम वाट पर मीटर में निकालेंगे, लेंथ हम 1 मीटर ले लेंगे, पर मीटर के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. तो पहले मैं यहाँ पे गिवेन क्वांटिटी लिख देता हूँ, ये तो लिख ही दिया, इंसुलेशन की वैल्यू मैंने लिख दी, यही क्या है हमारा एस्बेस्टस है, के एस्बेस्टस जो दिया हुआ है, ठीक है, एस्बेस्टस, ठीक है, एस्बेस्टस, ठीक है, और टी इन्फिनिटिव दिया हुआ है, टी इन्फिनिटिव 300 केल्विन, ये ऑलरेडी गिवन है. एच दिया हुआ है 2.8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ठीक है. टेम्परेचर टी इज गिवेन, सरफेस टेम्परेचर ऑफ आउटसाइड सरफेस टेम्परेचर ऑफ द पाइप इज गिवेन एज 475 केल्विन, ठीक है. द डायमीटर ऑफ द पाइप इज गिवेन एज 30 mm, ठीक है, बट वी नीड द रेडियस, ठीक है, सो वी विल टेक दिस रेडियस एज थर्टी बाय टू, ठीक है, आर ले लेते हैं या आर टू ले लेते हैं. आर टू ये मतलब आउटसाइड रेडियस मैं मान रहा हूँ, इनसाइड क्योंकि थिकनेस यहाँ पे गिवेन नहीं है, ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं, सॉरी ये 60 दिया हुआ है, डायमीटर इज 60, डायमीटर इज गिवेन एज 60 mm, ठीक है. सो रेडियस डी टू, दिस इज डी टू, ठीक है, दिस इंप्लाइज द आर टू विल बी 60 डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट दिस एज 30 mm, ठीक है, ये दिया हुआ है. तो अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 30 बाय 1000 हो जाएगा, ठीक है, तो दिस विल कम टू बी 0.03 मीटर, ठीक है. तो ये सारी चीजें गिवेन है. तो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले हम लोगों को इसका क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमसे ये पूछा हुआ है कि क्यू की वैल्यू बताओ जब हमने उसको इंसुलेट कर दिया, क्यू विथ इंसुलेशन बताओ कि कितना होगा, जब हमने उसको कितना इंसुलेट किया है, क्रिटिकल थिकनेस तक इंसुलेट किया है. तो सबसे पहले हमारा काम होगा क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन पता लगाना. तो क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन या क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन सबसे पहले हम पता लगाएंगे. तो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन जो होगा आर क्रिटिकल, इसकी वैल्यू तुम्हें पता है कि कोई भी सिलेंडर हो तो इसके लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, के इंसुलेशन डिवाइडेड बाय एच नॉट, ठीक है, या एच जो भी है, ठीक है, एच हमेशा ये आउटर वाले का होता है, ये ध्यान रखना. तो आउटर का एच तो 2.8 गिवन है, ठीक है, और के इंसुलेशन हमारे पास 0.172 गिवन है. तो ये दोनों वैल्यू डाल देंगे, दिस इज गिवन एज 0.172, ठीक है, और दिस इज गिवन एज 2.8, ठीक है. सो वी आर गेटिंग दिस एज, वी आर गेटिंग दिस एज 0.0614, ठीक है, 0.0614 मीटर वी आर गेटिंग दिस एज, ठीक है, और वी आर गेटिंग दिस एज 61.42 mm वी आर गेटिंग. सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें हीट फ्लो जो है हमारा वो इंक्रीज करेगा, कब तक इंक्रीज करेगा, 61.42, मतलब R2 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, R2 की वैल्यू आई है 30 mm, ठीक है, मतलब 30 mm से अगर तुम अप्लाई करना शुरू करोगे तो अगर 61.42 mm तक जो हीट ट्रांसफर रेट है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, अगर तुम इंसुलेशन अप्लाई करते हो, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो ये है. अब हमें क्या निकालना है, क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो क्यू हम निकाल सकते हैं भाई, क्यू के लिए कुछ नहीं होगा, क्यू हमारा क्या होगा,
क्यू की वैल्यू होगी कि हम जब इसको थर्मली इंसुलेट कर दे रहे हैं, कहां तक, अप टू द क्रिटिकल थिकनेस तक इंसुलेट कर दे रहे हैं, ठीक है। मतलब जो हमारा आर टू की वैल्यू लेनी है वो हमारा क्या लेनी है, वो हमें लेनी है जो हमारा क्रिटिकल थिकनेस है आर क्रिटिकल, यही हमारा यहाँ पे आर टू की वैल्यू लेंगे। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं क्यू की वैल्यू को निकालते हैं टी वन माइनस टी इंफिनिटिव, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइडेड बाय जो टोटल रेजिस्टेंस होगा इसके बीच में, ठीक है, वो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो टी वन माइनस टी इंफिनिटिव ये दोनों क्वांटिटी दी हुई है, टी वन या टी ले लो, टी ही ले लो इसको, टी वन नहीं लिखते, टी लिया है हम लोगों ने, तो टी ले लेते हैं, ठीक है। टी माइनस टी इंफिनिटिव ये दोनों चीजें गिवन है, देख लो यहाँ पर टी की वैल्यू 475 है और टी इंफिनिटी की वैल्यू 300 है, ठीक है। तो इसको ले लेंगे भाई 475 माइनस 300, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आर टोटल। अब देखो आर टोटल यहाँ पे अगर देखोगे तो आर टोटल के केस में हम यहाँ पे यहां से चलेंगे, इस जो सरफेस है इसका, ठीक है, पाइप का, यहां से चलेंगे तो सबसे पहले हमें कंडक्टिव रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर हमें क्या मिलेगा, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, कंडक्टिव रेजिस्टेंस, उसके बाद हमें मिलेगा एक कंडक्टिव रेजिस्टेंस जो कि आउटर में जो एयर है 300 पे इसकी वजह से होगा, ठीक है। तो दो चीजें होंगी यहाँ पे, दोनों हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक तो होगा हमारा आर कंडक्टिव, ठीक है, अब प्लस आर कन्वेक्टिव, ये दो चीजें आएंगी, ठीक है। अब ये 475 माइनस 300, ठीक है, आर कंडक्टिव कितना होगा, तो आर कंडक्टिव किसका, ये जो स्टील के ऊपर हमने इंसुलेशन अप्लाई किया है उसका, ठीक है। तो स्टील के ऊपर जो हमने इंसुलेशन अप्लाई किया है उसका यहाँ पे हमें आर कंडक्टिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम ले लेंगे क्या, एलएन। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे दो चीजें आएंगी, अगर आर कंडक्टिव की मैं बात करूंगा तो दो आएगा, आर कंडक्टिव में भी दो चीजें आएंगी, ठीक है। एक तो हमारा आएगा स्टील का, ठीक है, जो आर कंडक्टिव है, ये जो आर कंडक्टिव है इसमें दो आएंगे, आर कंडक्टिव वन, ठीक है, प्लस आर कंडक्टिव टू, ये तो होगा स्टील वाले का या जिसका भी पाइप बना हुआ है, ठीक है, उसका होगा ये तो स्टील का या पाइप का हो गया ये, ठीक है। और ये किसका आएगा, ये आएगा हमारा जो इंसुलेटिंग मटेरियल हमने लगाया है, इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है, प्लस आर कंडक्टिव, ठीक है। अब ये हमारा 475 दिया हुआ है, माइनस 300 दिया हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर कंडक्टिव ऑफ पाइप। अब देखो आर कंडक्टिव ऑफ पाइप निकालने के लिए तुम्हें आर टू और आर वन दोनों चाहिए, पर यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है, आर वन की वैल्यू गिवेन नहीं है, सीधा सीधा इसने पाइप का डायमीटर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आर वन की जो वैल्यू है वो गिवेन ही नहीं है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तुमसे कह रहा था कि यहाँ पे जो ये आर कंडक्टिव पाइप लिखेंगे तो ये हम क्या लिखेंगे, एल एन आर टू बाय आर वन डिवाइडेड बाय 2 पाई के एल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे के किसका आएगा, ये क्या आएगा, स्टील का, पहले तो स्टील का आ गया, ठीक है। जब स्टील की पाइप खत्म हो जा रही है तो फिर कौन सी पाइप शुरू हो रही है, इंसुलेटिंग की शुरू हो रही है, तो आर कंडक्टिव इंसुलेटिंग कितना होगा, ये होगा एल एन आर टू से शुरू हो रहा है और आर थ्री तक जा रहा है, आर टू से शुरू हो रहा है, तो आर थ्री बाय आर टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 पाई के किसका आएगा, यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल का आएगा, ठीक है। तो के यहाँ पे आएगा ये इंसुलेटिंग मटेरियल का, ठीक है, इंटू एल, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 475 माइनस 300 डिवाइडेड बाय एल एन आर टू बाय आर वन, ठीक है। अब देखो मैंने तुमसे जैसा बोला था कि यहाँ पे आर टू दिया हुआ है, आर वन नहीं दिया है भाई, ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे निकाल ही नहीं सकते हम, इसमें डेटा इज सम डेटा इज मिसिंग, बट यहाँ पे अगर आर वन दे देता तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ठीक है, क्योंकि आर वन नहीं दिया है तो मैं एक बार इसको चेक करूंगा, ठीक है। बट इस तरीके से निकलेगा ये, तुम निकाल लोगे टोटल, प्लस आर कंडक्टिव भी आएगा यहाँ पे, आर कंडक्टिव तो तुम लोगों को पता ही है, ठीक है, 1/h इंटू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, ठीक है, आर थ्री इंटू एल आएगा, ठीक है, आर थ्री इंटू एल आएगा ये टोटल वैल्यू, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू तुम कैलकुलेट कर लोगे तो ये जो हीट ट्रांसफर है ये हमारा निकल जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है कैसे निकाल रहे हैं हीट ट्रांसफर यस सर। भाई, पहले स्टील की लेयर है तो स्टील के लेयर का कंडक्टिव रेजिस्टेंस आया, ठीक है, और इनसाइड का कुछ दिया नहीं है कि पाइप के इनसाइड कुछ फ्लो कर रहा है, ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो इसलिए हम इनसाइड हम वैक्यूम मान के चल रहे हैं कि जो पाइप है उसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है।
वो वैक्यूम है, तो पहले स्टील की लेयर शुरू हुई, तो स्टील की लेयर को क्रॉस करेंगे तो आर कंडक्टिव स्टील आएगा। स्टील की लेयर को जैसे ही क्रॉस कर रहे हो उसके बाद तुम एक इंसुलेटिंग मटेरियल की लेयर लगा रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद आर कंडक्टिव आएगा किसका, इंसुलेटिंग मटेरियल का, ठीक है। उसके बाद फिर बाहर जाओगे उसकी सरफेस, आउटर सरफेस पे पहुंच गए, उससे बाहर जाओगे तो आर कन्वेक्टिव आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट होगा। बट यहाँ पे चूंकि क्या चीज नहीं दी है, ये आर वन की वैल्यू मालूम नहीं है, आर वन हमारे पास मिसिंग है, ठीक है, ये हमारे पास मिसिंग है, इसीलिए मैं वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो एक बार मैं इसको चेक कर लूंगा, उसके बाद तुम लोगों को बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में अगर कोई डेटा मिसिंग है, कहीं बुक से उठाया होगा तो कोई अगर डेटा मिस हो गया होगा टाइप करने में, तो वो मैं डेटा डाल के फिर तुम्हें दोबारा से करवा दूंगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो भाई बात हो गई हमारी क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन की, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट करने वाली है, जो कि मैं तुम लोग को बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, वो नोट करने वाली चीज ये है कि जो क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन हम लोग निकालते हैं, ठीक है, जो क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन हम लोग निकालते हैं, आर क्रिटिकल जो हम लोग निकालते हैं, इसमें तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये के बाय एच नॉट होता है, ठीक है, या के बाय एच होता है, ठीक है, जहां पे ये जो के है ये दिखाता है इंसुलेटिंग मटेरियल का के, ठीक है, ये इंसुलेशन का है, के जो है इंसुलेशन का होता है हमेशा, और एच किसका होता है, एच हमेशा होता है आउटसाइड का, ठीक है, जो बाहर का हमारा सरफेस होगा। ये कभी भूलना मत इसको अप्लाई करने में, कभी भी ऐसा मत कर देना कि जैसे स्टील की पाइप है उसके ऊपर मैंने इंसुलेशन लगाया, तो यहाँ तुमने आर क्रिटिकल निकालने में के किसका यूज कर लिया, स्टील का, तो के स्टील का नहीं यूज होगा, के हमेशा इंसुलेशन का यूज होगा, ठीक है, ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। तो ये हमारा जो है क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है, और तुम्हारी जो दूसरी यूनिट है ये नियरली कह सकते हैं कि खत्म हो गई। इसमें कुछ टॉपिक्स और भी हैं, ठीक है, जैसे तुम्हारा, मैं तुम्हें सिलेबस एक बार दिखा देता हूँ, अभी तक तुम लोगों ने सिलेबस नहीं देखा होगा, तो सिलेबस एक बार देख लो इसका। देख सकते हो मैंने सिलेबस गूगल क्लासरूम पे डाल रखा है, वहां से तुम एक्सेस कर सकते हो सिलेबस। देखो ये पहला टॉपिक जो था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, ये सब हम कर चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, इनिशियल बाउंड्री कंडीशन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की इक्वेशन, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की इक्वेशन, ये सब हम कर चुके हैं। उसके बाद स्टेडी स्टेट कंडीशन में कंपोजिट सिस्टम था, ये मैं बता चुका हूँ, जो थर्मल कंडक्टिविटी, सॉरी थर्मल रेजिस्टेंस जो हम निकालते हैं, ठीक है, कंपोजिट स्लैब का कंसेप्ट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस हम लोग कर चुके हैं, मैंने बताया था तुम लोगों को। उसके बाद क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन जो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली कि सिंपल एंड कंपोजिट सिस्टम लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखो सिंपल एंड कंपोजिट सिस्टम लिखा हुआ है, इसके बाद विथ एंड विदाउट एनर्जी जनरेशन है, ठीक है। तो अभी तक जितना भी मैंने तुम्हें बताया ना, उसमें क्यू नहीं आया था, मतलब विथ हीट जनरेशन नहीं आया था, जैसे जो हम लोग ड्राइव कर रहे थे उसमें क्या कहते हैं, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की इक्वेशन ड्राइव करी थी उसमें तुमने देखा होगा एक क्यू था, ठीक है, जिसको हमने बाद में जीरो मान लिया था कि क्यू नो नो हीट जनरेशन मान लिया था, ठीक है। लेकिन अगर हीट जनरेशन मानते हैं तो ये सारी इक्वेशन डिफरेंट होती है, ठीक है, तो इसकी दो बेसिकली ज्यादा ये कोई एग्जाम में आता नहीं है, तो इसीलिए मैंने नहीं पढ़ाया, जैसा मेरे फीडबैक मिला था आप पीछे, तो इसमें एग्जाम में ये ज्यादा कुछ आया नहीं है, तो इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं है। फिर भी मैं जो तुम्हें हैंड रिटन वाले नोट्स भेजूंगा उसमें मिल जाएगा तुम्हें विथ हीट जनरेशन, वहां पे भी ज्यादा नहीं है, बस दो तीन चीजें हैं, तो वो तुम देख सकते हो जाकर के, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट यूनिट है ये हम लोग यहाँ पे खत्म कर चुके हैं, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अगली यूनिट जो तुम्हारी है वो है पिन फिन्स, ठीक है, फिन्स के नाम से है, ठीक है, और हीट ट्रांसफर थ्रू एक्सटेंडेड सरफेस भी बोलते हैं इसको। तो फिन्स जनरली सब लोगों ने मुझे लगता है कि देखी ही होगी, ऐसा कोई होगा नहीं जिसने फिन्स ना देखी हो, कितने लोगों ने फिन्स देखी है। फिन्स सबने देखी है, फिन्स कितने लोगों ने देखी है, कोई एग्जाम्पल बताओ मुझे जहां पे फिन लगी होती है। सर इंजन में हाँ बिल्कुल सही, इंजन में तो होता है, ठीक है, और एसी में भी लगी रहती हैं, किसमें, एयर कंडीशनर, एसी, एसी में भी होता है, बिल्कुल सही, फ्रिज में कार होता में भी होती है, है। कार में भी होता है, रेडिएटर में होता है, ठीक है, कार के रेडिएटर में, फ्रिज में होता है, फ्रिज में फ्रिज देखा का है, याद,
फ्रिज के उसमें नहीं पीछे रहेगा। तुमने देखा होगा, फ्रिज के पीछे जो कंडेंसर रहता है, ठीक है, उसमें लंबी लंबी तुमने देखी होगी, क्या कहते हैं, सिंपल तार टाइप की तुम्हें लगती होगी वो, ठीक है, वो तुम्हारी फिन्स ही है जो सीधा सीधा तुम्हारा लंबा लंबा रहता है, ठीक है, इस तरीके की जो शेप तुमने देखी होगी, देखो अपने जो फ्रिज का तुम्हारा कंडेंसर है ना, पीछे देखना फ्रिज के, इस तरीके से होता है ना उसका जो कंडेंसर है, इसमें ऐसे तुमने देखोगे लंबाई में, ये ऐसे लगा हुआ, ये जो लंबाई में लगे रहते हैं ना, ये फिन्स है, ठीक है, वहां पे भी मिलेगा। तो ये तो हमारा जो है फिन्स हो गए, ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट कर लेते हैं इसको, बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे फिन्स में, अभी की फिन्स क्यों यूज होते हैं और फिन्स को हम लोग किस तरीके से जो है हीट ट्रांसफर बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। किसी भी सरफेस में जो फिन्स का यूज होता है, वो बेसिकली ये होता है कि हीट ट्रांसफर हमें उस सरफेस से इंक्रीज करना होता है, ठीक है, तो हमारे पास कुछ कंस्टेंट है, तो वो कंस्टेंट हम लोगों को पता होने चाहिए कि क्या कंस्टेंट है, क्या चीज हम बढ़ा सकते हैं, क्या चीज नहीं बढ़ा सकते हैं, कुछ हर चीज तो हम बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, ठीक है, कुछ हमारे पास प्रैक्टिकल कंस्टेंट होते हैं, कुछ फिक्स वैल्यू होती है, तो उनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, तो मैं तुम्हें यहाँ दिखाना चाहूंगा कि क्या चीज हम बढ़ा सकते हैं और क्या चीज नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, सो द टॉपिक इज, द टॉपिक और द सेकेंड यूनिट टॉपिक इज फिन, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फिन की बात कर रहे हैं। तो फिन में होता क्या है बेसिकली, कि अगर ये तुम्हारा सिस्टम है, देख सकते हो यहाँ पे, अगर ये तुम्हारा कोई सरफेस है या सिस्टम है, यहाँ पे देख सकते हो, ये कोई सरफेस है या सिस्टम है जिससे हीट हमारे ट्रांसफर हो रही है, और बाहर का जो एयर है उसके टेम्परेचर अगर टी इन्फिनिटिव है और हीट ट्रांसफर कोफिशियंट अगर एच मान लेते हैं, ठीक है, तो हीट ट्रांसफर थ्रू द एक्सटेंडेड सरफेस या फिन इज गिवन बाय क्यू इज इक्वल टू एच ए इंटू टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। कोई भी सरफेस है उससे जो हमारी हीट ट्रांसफर होती है वो किससे निकलती है, वो इसी इक्वेशन से निकलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग बोलते हैं। ये हमारा न्यूटन लॉ था, ये क्या था, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। सो एज यू कैन सी दिस इज अ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है, एंड इफ यू सी दिस इक्वेशन, इफ यू सी दिस इक्वेशन, ठीक है, इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर रेट, अगर हमें हीट ट्रांसफर रेट को इंक्रीज करना है, ठीक है, तो हम कैसे इंक्रीज करेंगे हीट ट्रांसफर रेट को, देखो अब मैं तुमसे कहूं कि इस इक्वेशन में कौन कौन सी वैल्यू है जो कॉन्स्टेंट है, इसमें कौन कौन सी वैल्यू कॉन्स्टेंट है, किसको किसको चेंज नहीं कर सकते, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, Q इज इक्वल टू एच ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटिव, अगर एक प्रैक्टिकल सिचुएशन मैं तुम्हें देता हूं, ठीक है, तो तुम कौन सी वैल्यू को कांस्टेंट मानोगे, इनमें से कौन सी वैल्यू को कांस्टेंट मानोगे, क्या भाई, देखो जनरली क्या होगा, देखो जनरली क्या होगा कि ये जो टी इन्फिनिटिव है, ये टी इन्फिनिटिव जनरली तुम्हारा कंस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि बाहर की जो एयर होगी, जो इन्वायरमेंट होगा, ठीक है, उसका टेम्परेचर तुम्हारे कंट्रोल में है नहीं है, बिल्कुल भी तुम्हारे कंट्रोल में, ठीक है, ये कंडीशन तो तुम्हें दी रहेगी कि टी इन्फिनिटिव कितना है, ये तो जनरली क्या रहेगा, फिक्स रहता है, ठीक है, ये फिक्स रहता है, ठीक है, और अगर मैं कहूँ टी एस, तो टी एस भी फिक्स रहेगा, जैसा भी तुम्हारा कोई भी इंजन है या कुछ भी है, ठीक है, तो जो इंजन है या जो कुछ भी है उसमें जितनी भी हीट जनरेट हो रही होगी, ये भी एक तरीके से कह सकते हो कि एक कंस्टेंट है, इसको तुम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हो सरफेस टेम्परेचर को, तो ये भी एक हिसाब से कह सकते हैं कि ये फिक्स रहेगा, ठीक है, मतलब इसको चेंज कर नहीं सकते, इसको चेंज कर नहीं सकते, ठीक है, तो अगर हमें इस क्यू को बढ़ाना है, ठीक है, तो हम हमें क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, देखो ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, मतलब ये इसको चेंज नहीं कर सकते, तो अगर इसको चेंज नहीं कर सकते तो क्या चेंज कर सकते हैं, या तो हमें एच को बढ़ाना पड़ेगा या तो हमें ए को बढ़ाना पड़ेगा, अगर हम क्या इंक्रीज करना चाहते हैं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो हम एक सरफेस से बढ़ाना चाहते हैं जिससे कि कूलिंग प्रॉपर हो, जैसे इंजन है, इंजन में फिन जो लगाया है वो इसलिए लगाया है क्योंकि उसमें हीट ट्रांसफर उससे इंक्रीज हो जाए और हमारा इंजन जो है वो एक डिजायर टेम्परेचर पे मेंटेन रहे, जो उसके मटेरियल की मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है, उससे वो क्रॉस ना करे, जो जितने तक वो मटेरियल झेल सकता है टेम्परेचर को उससे ज्यादा क्रॉस ना करे,
ठीक है। तो इसके जो मेथड है वो ये है कि या तो हम क्या करें कि एच को बढ़ा दें, ठीक है, या तो हम क्या करें इंक्रीज इन एच करें, ठीक है। अब ये मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि एच किस पे डिपेंड करता है। एच डिपेंड करता है बेसिकली कि तुम्हारा फ्लो कैसा है, ठीक है। आइदर इट इज नेचुरल फ्लो और इट इज द फोर्स फ्लो, ठीक है। नेचुरल कन्वेक्शन के लिए जो एच की वैल्यू होती है वो कम होती है, और अगर हम लोग बोले जो वैसे हमारा जो फोर्स कन्वेक्शन होता है तो फोर्स कन्वेक्शन में इस एच की वैल्यू ज्यादा होती है। मैंने एक टेबल दिखाई थी तुम लोगों को, याद करो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एच बढ़ाना चाहते हैं तो एच बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे पंप का या कुछ एक्सटर्नल चीजों का यूज करना पड़ेगा जिससे हम क्या कर पाए फोर्स्ड कन्वेक्शन ला पाए। फोर्स्ड कन्वेक्शन अगर होगा तो इस केस में एच की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो फोर्स कन्वेक्शन हमें लाना पड़ेगा, तो वेलोसिटी बढ़ा सकते हैं, पंप लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है, ठीक है, बट इसकी भी अलग ही लिमिटेशन है, ठीक है। दूसरा ये है कि सरफेस एरिया ए को भी अगर हम इंक्रीज करेंगे तो भी जो हमारा हीट ट्रांसफर है दैट विल इंक्रीज, ठीक है। तो ए को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करना पड़ेगा। तो फिन्स जो करते हैं, फिन्स का जो काम है वो यही है कि सरफेस एरिया को बढ़ा देना, और अगर हमारा सरफेस एरिया बढ़ गया तो इस क्यू की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो जो सबसे आसान तरीका होता है सरफेस एरिया इंक्रीज करना होता है, जो कि हम फिन्स से कर सकते हैं, तो इसलिए हम फिन्स का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि फिन्स को हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे और किस किस तरीके के फिन्स होते हैं, और इसके डेरिवेशंस भी देखेंगे हम लोग। बहुत तरीके की फिन्स होती हैं और जिसमें हम अलग अलग कंडीशन लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए।